Hello, dear students. Welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh and. टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर लेक्चर फाइव फॉर फाउंडेशन कोर्स विच इज बॉट बी कॉमीज़ बॉ बैफ एंड इट इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट एज वी ऑल नो तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका लेक्चर फिफ्थ होने वाला है ओके लास्ट टाइम अगर हमको याद होगा तो हमने रीजनल वेरिएशन किया था जो स्टेट्स के बारे में अलग अलग पढ़ाई होती है कि, कि किस तरीके से हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट कैसे हमको पता चलेगा कोई स्टेट स्टेट डेवलप है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा उनकी लिटरेसी रेट देख कर उनका जेंडर रेशियो देख कर उनका देखकर देख कर उनके पॉपुलेशन को देख कर तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या पता चलता है बेसिकली कि वो स्टेट्स कितने डेवलप है तो इस तरीके से स्टेट्स की जो है वो स्टडी जो की जाती है उसको हम कहते हैं रीजनल वेरिएशन जो हमारा लास्ट टॉपिक था टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ इंडिया इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ विजेस राइट इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इसीलिए तो जाना जाता था बिकॉज इट इज़ नोन टू बी अ लैंड ऑफ विजेस सबसे ज्यादा गाँव जो है रूरल जो है एरियाज वही रहे हैं ना हम तो अभी अभी सिटीज में आए हैं डेवलपमेंट हुआ है सब कुछ हुआ है बट यूजअली वैन इंडिया वॉज फॉर्म बेसिकली इट वॉज अ लैंड ऑफ विजेस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ कल्चर ऑल्सो नो डाउट वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कल्चर कि हमको लैंड ऑफ विलेजेस बोला जाता है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी से तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए तो लैंड ऑफ विजेस इज इज नॉट समथिंग विच इज वी शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट इन इन स्टेट दैट्स वॉट आई वुड लाइक टू से ओके ना एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसस वॉट इट इज सेंग इज देर आर ओवर सिक्स लाख विजेस इन इंडिया यानी इंडिया में सिक्स लाख विजेस है 68.84% of the population lives पॉपुलेशन villages. इन अब ये रिपोर्ट जो है आपकी दैट इज सेंसस की रिपोर्ट जो है 2011 में बनी थी तो उस हिसाब से क्या बोलता है इंडिया तो लैंड ऑफ विलेजेस है और कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं ओवर सिक्स लाख विलेजेस देर आर ओवर सिक्स लाख विलेजेस इन इंडिया यानी कि इंडिया में कितने विलेजेस हैं ओवर सिक्स लाख छः लाख के करीब करीब गाँव है जो इंडिया में है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 68.84 परसेंट पॉपुलेशन कहाँ पर रहता है आपका गांव में विलेज में 31.16 परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज तो अर्बन एरिया में सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टाउंस एंड सिटीज है कितनी है सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टाउंस एंड सिटीज़ है इसीलिए इसको अर्बन एरिया बोला गया है अर्बन में क्या है टाउंस एंड सिटीज़ है विलेज में कितना पॉपुलेशन है इनका सिक्सटी एट पॉइंट एटी फोर परसेंट विच इज़ विजिबल एंड थर्टी वन पॉइंट सिक्सटी परसेंट जो है वो कहाँ पर है अर्बन एरियाज में अगर हम अर्बन का पॉपुलेशन आज देखें तो हमको ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है कि शहर का पॉपुलेशन जो है वो इतना कम हो गांव का इतना ज्यादा हो बट दैट इज अ फैक्ट दैट इज अ रियलिटी बिकॉज ये जो डेटा है 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से है एवरी टेन ईयर्स पॉपुलेशन की स्टडी होती है जो लास्ट ईयर हमारी नहीं हुई है अभी तक राइट right? तो हमको तो उसी रिपोर्ट के हिसाब से चलना है तो उसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है सिक्सटी ऑफ द पॉपुलेशन फोर लिवस इन विलेजेस थर्टी ऑफ द पॉपुलेशन दॉपुलेशन लिवस इन अर्बन एरियाज जहां पर सेवन टाउन्स है और सिटीज है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इंडिया ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोअर्स अब हम पढ़ने वाले हैं रूरल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या पढ़ने वाला है रूरल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो पहली चीज क्या बता रहा है हमको कास्ट सिस्टम विलेजेस में कास्ट सिस्टम है यस yes, विलेजेस में कास्ट सिस्टम है देर इज़ हार्डली एनी विलेज विदाउट द कास्ट ऐसा कोई विलेज है नहीं जहाँ पर कास्ट फॉलो नहीं होता है हर एक विलेज village, कुछ विलेजेस ऐसे भी है जो कास्ट के बेसिस पे ही फॉर्म किए गए हैं कि इस विलेज में स्पेसिफिक कास्ट ही रहने वाली है अदर विलेज यही कास्ट रहने वाली है शायद तो कास्ट के बेसिस पे भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन् जो कि फॉर्म हो चुके हैं विजेज जो है वो फॉर्म हो चुके हैं नाउ विट इज संग दैट ईच विलेज है सेवरल कास्ट अब एक विलेज ऐसा भी होगा जहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग जो है वो रहते हैं ऑल दो इन सम विलेजेस अ पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट्स कुछ विलेज ऐसे हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर कास्ट जो होगी वो डोमिनेट करेगी यानी उनको सबसे ऊंचा माना जाएगा बाकी जो अदर कास्ट है उनको नीचा माना जाएगा तो ये जो कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी वो उनके अंडर जितने कास्ट हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा फॉलो करना पड़ेगा दैर इज इंटर डिपेंडेंस ऑफ कास्ट इन विलेजेस ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन अब हर एक कास्ट का एक दूसरे के ऊपर इंटर है क्यों क्योंकि हर किसी का अपना एक स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन है जैसे अगर हमने बाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा बाटर सिस्टम गांव में हुआ करता था ना कि अगर मेरे पास गेहू है इफ़ आई एम हैविंग वीट एंड यू आर हैविंग राइस तो वी कैन हैव एन एक्सचेंज राइट सिमिलरली गांव में सबके अपने अलग अलग ऑक्यूपेशंस है फार्मिंग का ऑक्यूपेशन है पोल्ट्री है आर्टिसन है तो ये सारे जो है ना आपस में एक दूसरे पर एक दूसरे के ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंडेंट है तो जितने भी कास्ट के लोग हैं वो क्या है आपस में इंटर है ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं विलेजेस की रूरल एरियाज की हम बात कर रहे हैं अब सेकेंड बोलता है हमको इंटीमेट रिलेशन इंटीमेट रिलेशन का क्योंकि गाँव का एरिया जो होता है वो इतना छोटा होता है कंपैरेटिवली एक गाँव जहाँ बसा होता है वहाँ पर गाँव के लोग हम शहर के लोगों से बहुत अलग होते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन है हम उसको जाने लेकिन गाँव में हर कोई एक दूसरे को उनके नाम से जानता है उनकी कितनी फैमिली मेंबर्स है उनके बारे में जानता है तो इनको बोलते हैं इंटीमेट रिलेशन यानी फेस टू फेस हर कोई वहाँ एक दूसरे को जानता है क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड होगा ना वहाँ पर एक गांव में लिमिटेड पॉपुलेशन है तो हर कोई उस गांव में एक दूसरे को जानता है वहाँ का जो सरपंच होगा वो जानता होगा हर किसी को जानते तो इस तरीके से इंटीमेट रिलेशन है बेसिकली पीपल नो ईच अदर वेरी वेल इन विलेजेस जनरली इज दैट जनरली एवरी पर्सन नोज ईच अदर इन द विलेज हर कोई एक दूसरे को गाँव में जानता है दिस इज बिकॉज द विलेज पॉपुलेशन इज़ अ स्मॉल साइज़ क्योंकि गाँव का पॉपुलेशन ही कम है एंड देर फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट और रिलेशन कैन बी मेंटेन थ्रू रेगुलर इंटरेक्शन क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है जब पॉपुलेशन कम है तो हम आपस में एक दूसरे से तो बात करेंगे एक रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखने ही वाले हैं क्योंकि उसके बाहर तो हमारा गांव ख़त्म हो जाता है जब गांव ख़त्म हो जाता है तो हम किससे बात करेंगे फैमिली मेंबर्स तो है नो डाउट लेकिन उसके अलावा यहाँ पर पॉपुलेशन जो है गाँव का वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है गाँव के साइज़ जो है वो भी छोटे ही होते हैं बहुत बड़े तो नहीं होते हैं तो इसीलिए लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हैं तो इंटीमेट रिलेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रूरल एरियाज देन नेक्स्ट दैट वी हैव इज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन अब गांव में जो है स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं गांव में जो औरतों की परिस्थिति है वो क्या है उसके ऊपर बात करें द रूरल वुमेन आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर मैन फोक यानी कि जो गांव में औरतें जो है वो सबसे ज़्यादा अगर मैरिड है तो डेफिनेटली हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड है अगर अनमैरिड है तो फादर या ब्रदर के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो उसकी पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है एक मैन फोक के ऊपर होती है द वुमेन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज एंड फैमिली अफकोर्स उसको फैमिली और मैरिज यही तो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो कम्पलीटली डिपेंड होती है रूरल वुमेन मोस्टली एंगेज इन इंडोर एक्टिविटीज़ कहीं बाहर इतना कंपेरेटिवली काम पर नहीं जाते इनडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं ज़्यादा से ज्यादा फील्ड में चले गए फार्मिंग के लिए अगर हस्बैंड वहाँ पर है तो वहाँ पर चले गए उसकी हेल्प करने के लिए तो यह सारी एक्टिविटीज़ जो है उसी के अंदर ज्यादा इवॉल्व होते हैं दे आर नॉट गेटिंग इन टू इंडस्ट्रीज दे आ नॉट वर्किंग इन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन रद वर्किंग इन टू द फील्ड अलॉन्ग विद दियर They are very much attached to their family members. They are attached to their family members. Okay. Women adjust themselves to the family conditions and make sacrifices in the interest of the family. Now this is what the situation of women's are in our country. They are very adjustable. Why? Because they know very well they have a complete dependency on their menfolk. अपने हस्बैंड पे या अपने फैमिली पे उनका डिपेंडेंसी बनी रहती है कई बार काम करने नहीं जाती है अगर गई भी तो अपने हस्बैंड के साथ उनकी फील्ड में उनको हेल्प करने के लिए चले जाएगी फार्मिंग के लिए राइट तो क्योंकि ये चीज़ है एंड दे आर क्वाइट इमोशनल एंड अटैच टू द फैमिली मेम्बर्स किसी भी फीमेल के लिए हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि किसी भी फीमेल को अपनी फैमिली मेंबर से पहले अटैचमेंट होती है तो क्योंकि अटैचमेंट फैमिली मेंबर से ज़्यादा है इसलिए बाहर वो किसी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रखती है और वो जॉब करने भी कहीं नहीं जाती है और इसीलिए अपने फैमिली के इंटरेस्ट में कई सारी चीज़ों की सेक्रीफाइस भी करती है एजुकेशन की सेक्रीफाइस करना पड़े क्योंकि मेरे छोटे भाई बहनों को पढ़ने मिल जाए भाइयों को पढ़ने मिल जाएगा तो अपने एजुकेशन की सेक्रीफाइस कर देती है अगर उसको शादी के लिए अपना इंटरेस्ट यानी कि आगे पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ने मिल रहा है उसको सेक्रीफाइस करना है वो सेक्रीफाइस करती है कहीं बाहर जाकर उसको काम करने नहीं मिलने वाला है

अबाउट एटी परसेंट ऑफ ऑफ़ विलेज पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर यानी कि एटी परसेंट ऑफ द पॉपुलशन ऑफ विलेज डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है देर फॉर द प्रोस्पैरिटी ऑफ रूरल एरियाज इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर तो प्रॉस्पेरिटी यानी कि वो कितने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है उस गाँव में वो भी डिपेंड करता है वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर आई होप वी आर क्लियर विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एरिया ओके नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ अबाउट योर साइज ऑफ़ पॉपुलेशन अभी भी हमने पढ़ा ना कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 2011 की जो रिपोर्ट्स थी वो क्या बोलती है 68.84 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस और इंडिया में कितने विलेजेस हैं ओवर सिक्स लाख विलेजेस हैं जहाँ पर 68.8 परसेंट इंडिया का पॉपुलेशन गांव में रहता है थर्टी वन पॉइंट समथिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन अर्बन एरियाज ओके मेजोरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस यानी सबसे ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन यही रहता है एज पर 2011 68.84 इलेवन जो अभी अभी मैंने आपको समझा है सेम चीज है यहाँ पर इन एडवांस कंट्रीज द रूरल पॉपुलेशन फॉर्म्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी एडवांस कंट्री जो होती है वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन होता है पूरे एक पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट बनकर रह जाता है एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स टू जापान में नाइन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज जापान की पूरे पॉपुलेशन की बात करें अगर इस पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें से नाइन परसेंट जो है दैट बिलोंग्स टू योर विलेजेस एंड द रिमेनिंग परसेंट बिलोंग्स टू योर अर्बन एरियाज विच इज नथिंग बट योर 91%. वन परसेंट ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन इलेवन परसेंट एंड यूएसए का एटीन परसेंट तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल में रहता है मेजॉरिटी जो रहता है वो कहाँ पर रहता है अर्बन में रहता है तो यहाँ पर तीन कंट्री के बारे में बताए तो जापान जिसका नाइन परसेंट पॉपुलेशन विलेज में है ऑस्ट्रेलिया इलेवन परसेंट एंड यू एस एटीन परसेंट द मेन रीजन फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया इज ड्यू टू डेवलपिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अब ये जो मेजॉरिटी है वो क्यों है रूरल इंडिया में रहते हैं लोग बिकॉज ऑफ दी डेवलपिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ उनकी तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अपने रूट से कनेक्ट रहना एंड मेजोरिटी ऑफ़ द वर्क अबाउट फिफ्टी फाइव परसेंट इन टू थाउजेंड एलेवन वेर एंगेज इन एग्रीकल्चर और क्योंकि इंडिया लैंड ऑफ एग्रीकल्चर भी है तो वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज रहता है कौन सी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर की दे फॉर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट फैक्टर पीपल गेट कंसनट्रेटेड इन रूरल एरियाज अब क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है वो लोग अपने कल्चर से अपने ऑक्यूपेशन से क्योंकि फैमिली का ऑक्यूपेशन रहता है जो हेरिडिट्री होता है जो हमने सुना हैरीडिट्री जो फो फादर्स जो ऑक्यूपेशन करते हुए आ रहे हैं हम भी उसी ऑक्यूपेशन में खुद को एंगेज करते हैं तो जो फार्मर है उसके आगे की जनरेशन भी फार्मिंग में ही एंगेज रहती है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन वाई द साइज the population has a huge contribution into the agricultural. Okay. Next it will be talking about your location pattern. So location pattern basically the rural population इट लिवस इन अबाउट सिक्स लाख फोर्टी वन थाउजेंड विजेस ओवर सिक्स लैख हमको बोला गया था तो ओवर सिक्स लाख बेसिकली सिक्स लाख फोर्टी वन थाउजेंड विलेजेस जो है वो इंडिया में है नेक्स्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज इज स्कैटर्ड दैन कॉन्सन्ट्रेटेड यानी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज्यादा स्कैटर्ड है कहाँ पर रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू योर अर्बन एरियाज एट प्रेजेंट ओनली अबाउट फोर थाउजेंड विजेस हैज अ पॉपुलेशन ऑफ टेन थाउजेंड प्लस यानि चार चार हजार गाँव जो है वहाँ पर कितना पॉपुलेशन है दस हज़ार का इन टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड विलेज द पॉपुलेशन इज लेस देन फाइव हंड्रेड परसेंट तो टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड विलेज ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाँच सौ लोगों का पॉपुलेशन है कुछ विलेज ऐसे हैं जहाँ चार हजार विजेज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कितना है टेन थाउजेंड कितना है टन थाउजेंड या प्लस टेन थाउजेंड तो ये आपको स्टेटिस्टिक्स जो है लोकेशन पैटर्न के बारे में याद रखना है नेक्स्ट बात कर करें लिटरेसी लेवल की द लिटरेसी लेवल ऑफ रूरल पीपल इज लो एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन तो रूरल का जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन है उनमें क्या है लिटरेसी रेट जो है लिट्रेसी क्या होती है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिटरेसी का मतलब होता है जो लोगों को लिखना आता है पढ़ना आता है और समझना भी आता है तो जिस स्टेट के पॉपुलेशन को लिखना पढ़ना समझना आता है दैट इज़ योर लिटरेसी रेट दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ लिटरेट तो यहाँ पर क्या बोल रहा है रूरल एरियाज़ में जो लिटरेसी रेट है वो क्या है लो है एज कंपेयर टू योर अर्बन पॉपुलेशन In 2011, it is talking about again 2011 census report. The overall literacy rate in India was about 74 percent. Yani यानी 2011 की रिपोर्ट के अगर हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो literacy rate है कितना है 74 But the rural literacy rate in many states was less than 50 percent. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर आपके rural की तो rural में क्या हो गया? Rural में 50 of the population was less literate. That means low literacy. द लो लिटरेसी रेट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन villages एंड पॉवर्टी among the रूरल masses. दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वीशियस सर्कल ऑफ़ पॉवर्टी एजुकेशन के बारे में पढ़ा है हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा है हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है हमने तो ये चीज़ें घूमते रहती अब क्योंकि वहाँ के लोग गरीब भी हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए कहीं ना कहीं दे के नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट आल्सो तो पॉवर्टी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट आर अ विशियस सर्कल विच कीप्स ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करिए कि क्या रीज़न है लोग जो है वहाँ पर इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है वॉट इज द रीज़न तो द मेजर रीजन इज अबाउट योर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो विलेजेस में प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है और उसी के साथ साथ आपको क्या बोला जा रहा है पॉवर्टी जो है वो भी सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन दैट इज़ द रीज़न दे आर अनएम्प्लॉयड एंड बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड अगेन द विशियस सर्कल कम बैक्स टू योर पॉवर्टी नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव एटीट्यूड कंजर्वेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है काफ़ी रिजर्व टाइप के लोग होते हैं किसी भी तरीके का चेंजेस जो है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होता है अगर आप बात करो गाँव में और शहर में तो कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्या होता है कि अगर किसी ने जीन्स पहन लिया उनके सामने तो उनका एटीट्यूड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दैम स्पेशली इफ अ लेडीज इज़ वेरिंग जीन्स इन विलेज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू दम एज कंपेयर टू यूर अर्बन एरियाज अर्बन एरिया में शहर में इट इज़ वेरी मच कॉमन टू वेयर जीन्स फॉर लेडीज बट वैन वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू दैम तो चेंजेस जिस तरीके के आते हैं ना वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं

प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम तो किसी भी तरीके का चेंज जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं किस चीज में एक्सेप्ट नहीं करते हैं चेंज वो लोग किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाया है पॉलिसी बनाया है उनके जो प्रोग्राम उनके जो त्योहार होंगे उसमें किसी तरीके का चेंज एक्सेप्ट वो लोग नहीं करने वाले हैं दे गो टू मेजोरिटी ओपिनियन एंड बिलीफ यानी कि मेजोरिटी जो बोलती है जैसे कि अगर आप देख देखते हो गाँव में जब भी, -भी फैसला होता है कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता है वहां पर जो भी डिसीशन होता है गाँव का सरपंच जो है वो लेता है लेकिन कब लेता है जब सरपंच आप सबके साथ में डिस्कस करेगा मेजोरिटी जो है क्या बोल रहे हैं उसके सरपंच के साथ जितने भी लोग हैं साथ में जुड़े हुए वो लोग क्या बोलना चाहते हैं वो सारी चीजों के ऊपर ही बेस्ड होकर आपको बताया जाता है उनका डिसीजन जो है वो लिया जाता है नाउ मोस्ट ऑफ़ द विलेजेस इन इंडिया आर बैकवर्ड मेनली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द विलेजेस अब ये भी सबसे बड़ा रीज़न है ये जो है ना कंजर्वेटिव एटीट्यूड ये जो रिजर्व नेचर है ना लोगों का ये सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी गांव के डेवलपमेंट को रोक कर रखना क्योंकि वो लोग किसी तरीके का चेंज एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है तो इस एटीट्यूड की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर लोगों का कंजर्वेटिव एटीट्यूड इसलिए गांव का डेवलपमेंट जो है काफी सारे विलेजेस सफर इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज पीपल हैव गॉट कंजर्वेटिव एटीट्यूड दे आर नॉट रेडी टू ब्रिंग एनी न्यू चेंज इन दैर एनवायरनमेंट बिकॉज उनके अपने प्रिंसिपल्स है पॉलिसीज है प्रोग्राम्स जो उन्होंने फ्रेम करके रखा है दे डोंट वॉन्ट इवन द गवर्मेंट टू इंटरफियर दे डो नॉट वॉन्ट गवर्मेंट टू इंटरफियर जो भी हमारा गाँव है हम देख लेंगे तो गवर्मेंट इज ऑल्सो नॉट मोर इंटरेस्टेड दैन क्योंकि आप, आप उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते हो तो हाउ गवर्मेंट इज गोइंग टू हेल्प यू राइट सो बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव एटीट्यूड

अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर अर्बन एरियाज द सी डी एस इज द मोस्ट अम्ब्रेसिव एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इंक्लूड्स अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसने अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी लिया है द टू अदर स्टेक्स एस्टिमेट्स करंटली वीक करंट वीकली स्टेटस एंड यूजल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस तो इनके हिसाब से क्या माना जाता है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये दोनों ही चीज़ें हैं जो विलेज में ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर population in urban areas. Now, as per 2011-12 estimates, about 5.7% of the workforce in rural areas were unemployed. यानी कि ki estimate किया गया, जितना भी population है, उसमें से कितना 5.7% जो है, 5.7% 5.7% जो है, वो क्या है unemployed रहा है। एज पर सी डी एस बेसिस यानी कि करंट डेली स्टेटस के हिसाब से बोला गया परसेंट ऑफ़ द इज एज कंपेयर टू फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन अर्बन एरियाज यानी पॉइंट सेवन परसेंट जो है वो किसका है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आपके किसका है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो रूरल एरियाज का है 5.5 किसके बारे में बात कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है वो है आपके अर्बन एरियाज का दैट इज एज पर योर सी डी एस करंट डेली स्टेटस के हिसाब से नाउ हाउ एवर अंडर यूपीएसएस यूपीएसएस इज योर यूजल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व याद रखना बात चल रही है इलेवन ट्वेल्व की क्योंकि इलेवन में ही आपका क्या हुआ था पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था वन पॉइंट सेवन परसेंट एज कंपेयर टू थ्री पॉइंट फोर परसेंट तो वन पॉइंट सेवन परसेंट वर्स फॉर रूरल and 3.7% is for your अर्बन एरियाज़ यानी 2011-12 में बोल रहे हैं 1.7 पॉइंट सेवन परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यहाँ पर रूरल में एज कम्पेयर टू 3.4 पॉइंट फोर परसेंट ऑफ़ द अर्बन एरियाज़ यानी कि यहाँ पर अब अर्बन एरियाज़ जो है क्योंकि डेवलपमेंट है लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा आगे बढ़ रहा है अब जॉब्स जो है उतनी मार्केट में अवेलेबल भी तो होनी चाहिए अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका अर्बन एरियाज़ में भी इंक्रीज़ हो सकता है और वही हुआ है एज़ पर यू पी एस एस इन दियर टू थाउजेंड इलेवन तो आई होप वी आर क्लियर विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट

ज्यादा से ज्यादा अगर उनको पहुँचना होगा तो टेलीविजन के थ्रू वो भी जिन घरों में टेलीविजन होगा ज़रूरी नहीं है विलेज में हर एक घर में टेलीविजन हो ठीक है कुछ कुछ घरों में होगा लेकिन हर एक घर में हो हर एक इसमें पॉसिबल नहीं है प्रिंट मीडिया इज लोअर ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन अब प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर आप अगर सप्लाई कर दो मैगजीन सप्लाई कर दो वहाँ पर बट इट इज ऑफ नो यूज़ क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही पॉवर्टी रेट भी है और एजुकेशन की भी कमी है वहाँ पर जब लोग एजुकेटेड ही नहीं है लिटरेट ही नहीं है तो आपके न्यूज़पेपर ऐड को वो समझेंगे कैसे और आप उन तक पहुँचेंगे कैसे क्योंकि दैट न्यूज़पेपर इज़ एज़ गुड एज़ एक टिशू पेपर फॉर देम राइट क्योंकि वो न्यूज़पेपर उनके लिए टिशू पेपर का ही काम करेगा का, उससे ज़्यादा उनके लिए किसी तरीके का यूज़फुल नहीं है बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू रीड द पेपर सो अल्टीमेटली इट इज ऑफ नो यूज़ मैक्सिमम एक्सपोजर टू मीडिया इज़ दैट ऑफ दी रेडियो यानी सबसे ज़्यादा रेडियो के थ्रू उनको रीच किया जा सकता है येस देर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि रेडियो सब जगह होता है और वो जो है वर्बली बोल रहा है ना एक ओरल कम्युनिकेशन जो है उनके साथ में हो रहा है तो लोगों को मैच के बारे में जानना हो तो उसके थ्रू मीडिया एक्सपोजर रेडियो जो है उनके लिए बेस्ट है न्यूज़ के बारे में जानना हो करंट अपडेट्स के बारे में जानना हो वेदर फोकास्ट के बारे में जानना हो तो रेडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफकोर्स म्यूजिक इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑप्शन लेकिन गाँव के लोगों के लिए रेडियो सुनना मतलब गाने से ज़्यादा वो लोगों का इंपॉर्टेंस होता है न्यूज़ पर वो लोगों का इंपॉर्टेंस होता है वेदर स्टेटस पर वो लोगों को इंपॉर्टेंस uh, होता है आपके अगर क्रिकेट मैच चल रही हो तो उसके बारे में उसकी कॉमेंट्री सुनना तो रेडियो एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप गाँव में गाँव के लोगों तक मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हो ड्यू टू लो मीडिया एक्सपोजर द गवर्नमेंट कैंपेन्स ऑन फैमिली वेलफेयर एंड अदर सोशल इशूज डो नॉट रीच टू द मासेज इन विलेज अब क्योंकि मीडिया एक्सपोजर कम है अब हर चीज़ आपको रेडियो पर बोलकर नहीं सुनाई जाती है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि टेलीविजन का यूज़ होना और प्रिंट मीडिया का काम आना बहुत जरूरी है लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन है पॉवर्टी है ऑलरेडी तो कहाँ से लोगों को आपका मैसेज पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा अगर टेलीविजन है तो आप अपना मैसेज जो गवर्नमेंट है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि अगर मुझे अपने विलेज के लोगों को कवर करना हो वो भी तो मेरी ऑडियंस है मुझे वहां तक भी तो मैसेज पहुंचाना है। पढ़ने लिखने नहीं आता तो गवर्नमेंट उनको मैसेज नहीं सेंड कर सकती है वहां पर न्यूज़पेपर फ्री में भी दे दे लेकिन लोगों को पढ़ना ही नहीं आता तो न्यूज़पेपर का क्या करेंगे वो लोग अब टेलीविजन एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचा, पहुंचाया जा सकता है उनका मैसेज प्रॉब्लम ये है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्यों पॉवर्टी की वजह से अनएंप्लॉयमेंट रेट है पॉवर्टी है तो कहां से लोग टेलीविजन अफोर्ड करेंगे हो सकता है अड़ोस पड़ोस के किसी के घर में जाकर अगर कुछ देख लिया तो देख लिया तो उस पॉपुलेशन में एक ऐसा गांव जहां पर अगर छह लाख पॉपुलेशन है या पांच लोगों का पॉपुलेशन है पांच में से हम मानकर चलते हैं सौ लोगों के घर में टीवी है तो बाकी चार तो इग्नोर हो गए ना उन तक तो मैसेज आपका पहुंच ही नहीं रहा है भी मैंने एक ऐसी एस्टिमेट नंबर दिया है सौ के घरों में भी टीवी आपको नहीं मिलेगा नॉट नेसेसरी तो क्या होता है यहाँ पर बीस या तीस घरों में अगर टेलीविजन है तो आपको ह्यूज एक्सपोजर पूरे गाँव का नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट को अगर अपनी कोई स्कीम बतानी होती है जैसे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम है प्रधानमंत्री योजना स्कीम है पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर उनको कोई मैसेज देना है तो लोगों तक इसीलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि पर मीडिया का एक्सपोजर ही नहीं है तो दैट इज वन ऑफ दी मेजर रीजन गवर्नमेंट इज लैकिंग टू रीच टू दी ऑडियंसिस और टू दी मासेस ऑफ द रूरल एरियाज आई होप वी आर क्लियर विद दिस मीडिया एक्सपोजर एंड इज नो कंफ्यूजन एज सच ओके सो द नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट योर पॉवर्टी पॉवर्टी रेट की अगर हम बात करें तो 21.92% वन परसेंट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 पहले कितना था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 37% परसेंट था वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से था प्लानिंग कमीशन ने 2011-12 में हमको क्या बोला है अब बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो ट्वेंटी हो गया है इन रूरल एरियाज़ परसेंट ऑफ पीपल बिलिंग लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवेंटी परसेंट तो परसेंटेज अभी क्या बोल रहा है हमको रूरल के बारे में अगर हम बात करें तो बी पी एल दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन कितने परसेंटेज पॉपुलेशन रहता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवेंटी परसेंट ऑफ दी पॉपुलेशन द रूरल पॉवर्टी इज वेरी हाई इस्पेली इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा बिहार एंड एम पी तो ये जो तीन स्टेट्स का नाम दिया है यहाँ पर आपका रूरल पर रूरल में जो पॉवर्टी है ठीक है वो सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में हाई है द मेन कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी अब रीज़न क्या है इन पॉवर्टी का क्यों सबसे ज्यादा हाई है इन स्टेट्स में तो द रीज़न इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली अमॉन्ग द पुअर हमने बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पढ़ा था बर्थ रेट कौन से स्टेट्स में हाई होता है जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते तो उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता तो वहाँ पर बर्थ रेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा हाई रहेगा अब बर्थ रेट हाई है पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों का तो डेफिनेटली उनके अंदर एजुकेशन वाली बात ही नहीं है पीपल आर नॉट एट ऑल लिटरेट तो लिटरेसी नहीं होने की वजह से वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाती है सोशल एक्सप्लाइटेशन बाय द लॉर्ड ऑफ फार्म देश हमने पढ़ा था फार्म लेबरर्स के बारे में उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पर क्यों एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि सोशल एक्सप्लॉयटेशन मतलब उनके कास्ट बेसिस के ऊपर भी उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है दूसरा एक्सप्लॉयट करने वाले जो होते हैं ये आपके मनी लैंडर्स होते हैं माल प्रैक्टिसेस करते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना नॉलेज नहीं है उनको तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट जो है उनसे चार्ज करके उनको लोन देते हैं और पूरे लाइफ टाइम उनसे क्या करते हैं मजदूरी जो है वो करवाते रहते हैं तो माल प्रैक्टिस का मतलब होता है इन तरीके से उनसे पैसे जो है वो वसूल करते रहते हैं पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी मेजर्स अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल भी तो बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ और सिर्फ एक गांव की जिम्मेदारी जो होती है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सरपंच की नहीं होती लेकिन गवर्नमेंट की भी होती तो गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम या मेजर्स लेकर आई ही नहीं है लोगों के लिए जिससे कि वहाँ की पॉवर्टी जो रेट है उसको क्या कर सके इम्प्रूव कर सके और ज़्यादा डिक्लाइन कर सके और दैट वॉज अबाउट योर पॉवर्टी ना नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट यर वर्क पार्टिसिपेशन रेट वर्क पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है यहाँ पर फीमेल्स और मेल्स दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है वैन दे आर गोइंग आउट एंड वर्किंग टूगैदर तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के टोटल वर्क फोर्स के यानि कितने लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज इज कंपेरेटिवली सिमिलर फॉर मेल्स एंड एज इन अर्बन एरिया यानी कि रूरल में अगर हम बात करें और अर्बन में कंपेयर करें तो मेल का पॉपुलेशन बिकॉज दे हैव टू गो फॉर वर्क दे आर दी अर्नर्स ऑफ द फैमिली तो यहाँ पर क्या बोल रहा है रूरल और अर्बन में जो उनका परसेंटेज रेट होगा वो क्या होगा हमेशा सिमिलर होगा

हमें एक टेबल बनाया है जिसमें रूरल में देखो 53 परसेंट मेल का है और अर्बन में भी 53.8 तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है पॉपुलेशन का वर्क पार्टिसिपेशन फीमेल्स की बात करें तो इट इज़ 30 परसेंट इन रूरल एंड 15.4 परसेंट इन योर अर्बन एरिया सो कंपैरेटिवली टू योर रूरल अगर हम बात करें तो उनका पॉपुलेशन वर्क पार्टिसिपेशन रेट में ज़्यादा है व्हाट आर सम ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स विच आर बिंग फेस्ड बाय द रूरल पॉपुलेशन अब रूरल पॉपुलेशन ऐसे और क्या प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं वन इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सचेज रोड्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग फैसिलिटीज ऑल्सो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट है क्यों क्योंकि पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है लिटरेसी रेट भी कम है याद रखना है हमने हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ा है एक विशेष सर्कल होता है वो विशेष सर्कल में इंक्लूड होता है आपका पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड योर इलिटरेसी हायर इंसीडेंस ऑफ पॉवर्टी एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ यानी कि पॉवर्टी रेट जो है कंपेयर टू अर्बन एरियाज हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा जो हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है कि गाँव में जो है पॉवर्टी रेट बिलो पॉवर्टी लाइन का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर अर्बन एरियाज सोशल एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंड लॉड्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड दिस गाइज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे अगर कोई सीजन आएगा उस हिसाब से आप अपना बिजनेस करते हो या काम करते हो दैट इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ ऑलवेज देयर इन योर रूरल एरिया ओके सो आई होप वी आर क्लियर विद द रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में रूरल के बारे में अगर हम पढ़े हम अगर देखें तो रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे मैंने कहा इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस विच वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ डेफिनेटली तो यहाँ पर सिक्सटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहता है इंडिया का गाँव में रहता है एज पर टू थाउजेंड रिपोर्ट एंड थर्टी ऑफ द पॉपुलेशन स्टेज इन योर अर्बन एरिया जहाँ पर हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं रूरल के बारे में कास्ट सिस्टम हर एक विलेज में एग्जिस्ट करता है इंटीमेट रिलेशन बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन कम होता है वहां का तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को आपस में बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन किस तरीके का स्टेटस है यानी कि उनकी वहाँ परिस्थिति क्या है आज भी जो फीमेल है वो अपने मेन फोक के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है क्यों है बिकॉज उस वो अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच है कहीं जाकर जॉब करना नहीं है अगर काम किया भी तो अपने हस्बैंड को जाकर एक फील्ड में हेल्प कर देना है उनको इससे ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन जो है कंपेयर टू योर अर्बन एरियाज डेफिनेटली ज़्यादा है लेकिन अगर गाँव में हम बात करें तो यहाँ पर फीमेल का जो स्टेटस है इट इज़ मोर ऑफ इंटू डिटीरियेटिंग कंडीशन ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गांव के लोग जो है वो किस में एंगेज है एग्रीकल्चर में एंगेज है फिर हमने पढ़ा है साइज़ ऑफ़ दी पॉपुलेशन रूरल और अर्बन का हमने कंपैरिजन किया है यहाँ पर भी तो रूरल में अगर हम देखें तो जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाती है तो उसका जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम होते जाता है फॉर एग्जांपल हमने देखा जापान के बारे में जहाँ पर नाइन परसेंट है जहाँ पर एलेवन परसेंट एस ए जहाँ पर एटीन ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू योर रूरल एरियाज then definitely we have studied about the location pattern as well location pattern में हमने क्या पढ़ा है कि कितने villages हैं और हर एक village में कितना population जो है वो exist करता है literacy rate के ऊपर हमने पढ़ा है कि किस तरीके से गाँव में literacy rate जो है compared to your urban area is less because again poverty unemployment illiteracy ये तीन विषय circle की वजह से literacy rate compared to your urban areas rural में कम है also lack of facilities educational facilities जो है वो गाँव में available नहीं है तो literacy rate ये भी एक reason है वहाँ पर कम होने का कंजर्वेटिव एटीट्यूड है लोगों का क्यों कंजर्वेटिव एटीट्यूड है लोगों का क्योंकि लोग किसी भी तरीके का चेंज जो है वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्रीज बना रखी है प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज बना के रखी है गांव ने तो वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का भी आने नहीं देती है कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी कई सारे विलेजेस का डेवलपमेंट जो है वही लोगों की कंजर्वेटिव एटीट्यूड की वजह से नहीं हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर हम देखें तो गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू योर अर्बन एरियाज मीडिया एक्सपोजर मीडिया एक्सपोजर में जैसे मैंने आपको समझाया मीडिया एक्सपोजर में क्या होता है गवर्नमेंट को अगर रीच करना होगा यूज अमाउंट ऑफ मासिस्ट इन टू दी विलेजेस वो लोग नहीं पहुंच सकते क्योंकि हर घर में टेलीविजन हो यह ज़रूरी नहीं है और क्योंकि गांव के लोगों में लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है इसलिए प्रिंट मीडिया भी वहां पर काम नहीं आता है तो लोगों तक अगर पहुंचना है तो रेडियो इज़ दी ऑप्शन विच इज़ अ बेटर ऑप्शन लेकिन अगर कुछ चीज़ें उनको समझानी है कुछ स्कीम्स के बारे में बोलनी है तो हर एक चीज़ आप रेडियो पर नहीं सुना सकते अनलेस एंड अनटिल यू सी समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन द इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैप्स दी कॉन्सेप्ट राइट तो यही चीज़ है तुम्हारा मीडिया एक्सपोजर भी जो है वो क्या है है, कम है हमने पढ़ा पॉवर्टी के बारे में कि कौन से कौन से स्टेट्स है जहां पर गांव में पॉवर्टी का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा है तो उड़ीसा बिहार एंड मध्य प्रदेश आज भी हाईली पॉपुलेटेड है लेकिन पॉवर्टी लेवल भी इनका क्या है हाई है और फिर लास्ट में हमने पढ़ा है अबाउट योर वर्क पार्टिसिपेशन रेट एंड योर अदर प्रॉब्लम्स जहाँ पर फीमेल का पॉपुलेशन है वो आउट नंबर करता है किसको मेल्स को इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कम्पेरिजन टू दी अर्बन एरियाज़ यानी फीमेल जो गाँव में है उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर फीमेल्स इन अर्बन एरियाज़ एंड दी अदर प्रॉब्लम जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है लो लेवल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं so i hope we are clear with all the rural characteristics and with this we will end the lecture in case if you like the video do share it with your friends and stay tuned to our lectures thank you very much